मैं बताना चाहता है, अगर आज आप शैतानी चक्कर में घूम रहे हैं, if you are in any evil plan, या आप बार बार परेशान हो रहे हैं, you are getting worried again, या बार बार आपके तलाक हो रहे हैं, there are many divorce, या आप दुकान खोल रहे हैं और वो चल नहीं पा रही, or your business is not working, या आप बार बार दवाई खा रहे हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा, you are eating medicine, but operation इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है. There is an evil plan. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब फंक्शन, मेरे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है. Any problem came and arrived. इसका मतलब क्या है? What does that mean? इसका मतलब क्या है? What does that mean? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है. The spirit is saying. कि आज उन लोगों को शैतानी चक्कर ने फंसाया हुआ है. There is a knot of evil plan. आज आपको बाहर आने की जरूरत है. You need to come out of that. जोर से बोल. आज आपको बाहर आने की जरूरत है. You need to come out of that. ये शैतानी चक्कर आज आपको आजाद करेगा. This word will set you ये free. शैतानी चक्कर से परमेश्वर का वचन आपको आजाद करेगा. The word will set you free today. आप बार बार शैतान के चक्कर में फंसे हुए हो, you are not an evil लेकिन man. आपको पता नहीं लग रहा है, but you are not knowing कि मैं शैतानी चक्कर में फंसा हुआ हूँ क्या. I am tied in that. परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है. The Lord is saying. परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है. Spirit is saying. अगर आप शैतानी चक्कर में फंसे हुए हो, you are tied in evil plan. आज की प्रोफेसी आपको छुड़ा कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में. आज का वचन आपको आजाद कराएगा. The word will set you free. आपको आजाद होने के लिए तैयार होना है. You need to set free today. हरियाणा के अंदर करनाल में, in Karnal, वहाँ पर एक पुल है. रास्ते में जब हम जाते हैं दिल्ली, तो वहाँ पर एक पुल आता है. When we go to Delhi, there is a flyover. और बहुत सारे कार चलाने वाले, ड्राइव करने वाले लोग, and those who are drivers, वो बहुत बार क्या करते हैं, many times they do, वो उस पुल के सामने से बहुत धीमे धीमे चलते हैं. They walk very slowly. उनको पता है अगर यहाँ से फास्ट निकलेंगे, यहाँ कोई शैतानी चक्कर है, there is an evil plan. और किसी की ना किसी की मौत हो जाती है. And someone will die. हर वीरवार, शुक्रवार वहाँ पर किसी की मौत होती है. Every Thursday and Saturday this happens. एक्सीडेंट होते हैं. There are accidents. लेकिन किसी ने भी ये जानना नहीं चाहा आज तक. No one knows. मैं 10 साल से उस प्लेस को जानता हूँ. It's been 10 years, you know. लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसे पेड़ है, ऐसी जगहें हैं. There are trees and places. बहुत बार हम लोग वहाँ से निकलते हैं, many time we cross that place. लेकिन वो कभी ऐसा नहीं जानना चाहते. But they don't come to know कि यहाँ पर क्या शैतानी चक्कर है. That what is the evil plan. किसी भी ड्राइवर ने वहाँ पर ब्रेक मारकर ये नहीं पूछा ये शैतानी चक्कर क्या है. Not even a single driver braked and asked about the evil plan. कोई प्रार्थना नहीं करता. No one prayed there. लेकिन वहाँ से डर डर कर निकल जाते हैं. But they are fearing and then drive away. आज भी आप भी ऐसे डर डर के जी रहे हैं. You are walking like a worried person. आप भी डर डर के चल रहे हैं. You are walking worried. दुकान खोली है, you have opened डरे हुए हो. And you are worried. बिजनेस किया है, there is a business. डरे हुए हो. And you are still worried. आप डरे हुए हो. You are worried. मकान बनाया, you have made your house. बार बार सांप निकल रहे हैं, there are snakes. अगर आज बार बार ड्रीम आ रहे हैं, there are bad dreams. आपकी आंखों के सामने बार बार ड्रीम में मरे हुए लोग आ रहे हैं, very dead people coming in a dream. आपके हर महीने में नुकसान हो जाता है, there is a loss in every month. या आप जो काम कर रहे हैं, आपका बच्चा फेल हो रहा है हर साल, your child is getting failed in every year. आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं हर साल, you are getting failed every year. 10 साल का हो गया है, it's been 10 years. लेकिन आज भी बोलना नहीं आता. But they don't know how to speak. कारण क्या है? What is the reason? इसका मतलब कि आप लोग फ्लॉप हो रहे हैं. You are getting flopped. या 10 साल का बच्चा है, 15 साल का भी हो गया, तब भी बेड पर शू करता है. इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर है. There is an evil plan. जब दवाइयाँ ना लगे, when there is medicine not क्या है, मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगे, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाए, शरीर में बेचैनी हो जाए, so many इसका मतलब शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है. There is an evil after you. आपको शैतानी चक्कर से बाहर आना है. आज मैं आपको बाहर निकालना सिखाऊंगा. We will make you out of that. आज आप खुद भी घर बैठकर शैतानी चक्कर से आजाद हो सकते हैं. You will set free today from evil plans. जितने आज लाइव सुन रहे हैं, those who are listening live, अपने पड़ोसी को बोलो लाइव एंड तक सुनेगा. We need to listen it at the end. आज तू शैतानी चक्कर से बाहर आ जाएगा. We will be free from evil plans. कर आज तू शैतानी चक्कर से बाहर आ जाएगा. You will come out of that evil plan. बोलो पड़ोसी को मैं आज एंड तक सुनूंगा. Tell to your neighbor that I will listen. आपका सुनना ही, वचन का सुनना ही. Even the listening to the आज वचन को सुनने से, when you will listen the आज उद्धार आने वाला है, आज छुटकारा आने वाला, अच्छा आज आपकी आशीष आने वाली है.